हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी। मैं लेकर आई हूँ अरबी की अचारी वाली सब्ज़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया है। मैंने लिया है 1 किलो अरबी और इनके मैंने ऐसे छिलके उतार लिए हैं। ये बहुत ही आसानी से ऐसे छिलके उतर जाते हैं इसके। आपको इसे काटने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप हल्का सा घिसेंगे ना चाकू से, छिलके उतर जाएंगे इसके। इसी तरीके से हमें सारे अरबी के छिलके उतार लेने हैं। ये देखिए, इसे रखें हम साइड में। और ये भी पहले तो इसमें जो हल्का सा ये छोटे छोटे जॉइंट होते हैं ना, इस तरीके के, उसे हम निकाल देंगे, काट के अलग कर देंगे, बाद में उसको हम छीलेंगे। अब इसे मैं काट दूंगी ऐसे, और हमें ऐसे इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे बिल्कुल। इसके छिलके बिल्कुल अच्छे तरीके से हम बिल्कुल वाइट कर देंगे इसे। और अब ये देखिए छिलके उतर गए हैं। और मैंने सिर्फ 1 किलो में आधा किलो कर ले लिया है अरबी, आधा किलो अलग कर दी है छील कर। और मैंने ये पहने हैं ग्लव्स, क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर मेरे हाथ अरबी काटने के बाद ना, जो उसका पानी से होता है ना दूध टाइप का, वो मेरे हाथों में बहुत जलन करता है, मतलब ईचिंग करता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ अक्सर, ताकि मुझे ये बहुत, मतलब 2-3 घंटे परेशान करता है, इस वजह से ग्लव्स ले लेती हूँ। इसे मैंने पतला पतला लंबा लंबा देखिए इस तरीके से काट लिया है, और इसे मैंने वॉश भी कर लिया है अच्छी तरीके से। ये देखिए बिल्कुल साफ़ वॉश हो गया है। मैंने लिया है 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, और 2 प्याज है और 2 मिर्ची है। इसे मैंने काट लिया, साइड में रखेंगे। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी 1 चम्मच अचार का मसाला है, या आपके घर पर कोई भी अचार हो आप उसका मसाला डालें। 1 चम्मच और लूँगी मैं, लगभग 2 चम्मच भर के मैंने अचार का मसाला डाला है। थोड़ा सा ऑयल तेल भी होता है उसमें, थोड़ा मसाला होता है, वो अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। और इसे कम से कम 20 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे इस तरीके से। और इधर कढ़ाई गरम करूँगी मैं, इसमें डालूँगी ऑयल। मैंने ऑयल डाला है इसमें 5 से 6 चम्मच, थोड़ा ज़्यादा डाला है। और डाला है 1 चम्मच अजवाइन, और अजवाइन को हम पकने देंगे। ये देखिए अजवाइन हमारे पक रहे हैं ना। जब अजवाइन का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी अब लहसुन, अपने बारीक कटे हुए लहसुन डालूंगी। और लहसुन को भी हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। और मिर्ची डाल देंगे, मैंने लिया है ये 2 मिर्ची थी, दोनों में मैंने बीच में फाड़कर 4 टुकड़े कर लिए थे इस तरीके से। आप चाहो तो तीखा खाते हो तो आप और भी ज़्यादा मिर्ची ले सकते हो। और मैंने लिया इसमें 2 मीडियम प्याज लिए हैं, काट लिए हैं उसे पतला पतला लंबा स्लाइस, ये देखिए इस तरीके से। और इसे भी हम ब्राउन कर लेंगे, प्याज को हमें थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करना है, मतलब गोल्डन कलर देना है, बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर देना है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का, ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है हमारे प्याज का। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने ये अरबी, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी में। आप इस तरीके से सब्जी बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें ये सब्जी। और अब मैं इसमें कुछ मसाला ऐड कर दूंगी, जैसे कि है ये सूखी लाल मिर्च पिसी हुई, और पिसा हुआ ये सॉरी हल्दी है 1/2 चम्मच, और यह है धनिया पिसा हुआ 1/2 चम्मच, और यह है गरम मसाला। आप ज़रूर ऐड करें गरम मसाला, बहुत अच्छा टेस्ट देता है अरबी की सब्ज़ी में। और ये बिल्कुल सूखा सूखा हमें बनाना है। और मैं इसे अब थोड़ा सा मीडियम आंच पे, मीडियम आंच था शुरू से लेकर एंड तक, इस सब्जी को हम मीडियम आंच पे पकाते हैं। मैं इसे 5 मिनट मीडियम आंच पे पकने दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं लगभग, तो चलिए देख लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए सब्जी हमारी
ये देखिए अच्छे से हमारे इसके मसाले मिक्स हो चुके हैं और इसे हम और हमें इसे मिक्स धीमी आंच पे ही पकाना, मतलब मीडियम आंच पे पकाना है। मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और अब नमक हमें एकदम नहीं डालना है, नमक मैंने मीडियम मतलब 50% जब हमारी सब्जी 40 या 50% पक जाती है ना जब डालना है, वरना स्टार्टिंग में डाल दूँगा तो गीली गीली सी अजीब सी हो जाएगी ये। और ढककर पकाएंगे इसे 10 मिनट, 10 मिनट लगभग हो चुके हैं। ये देखिए सब्जी का कलर भी चेंज होने लगा है ना हमारी। और थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, मतलब हाथ में आपके जितना आ जाए थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ढककर पकाना है इसे हमें मीडियम आंच पर। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, बिल्कुल ज़रा सा, मतलब 2 ढक्कन होगा, बिल्कुल ज़रा सा होगा और एकदम नहीं डालना है। उससे क्या होता है देखिए, मैंने फिर 5 मिनट बाद इसमें पानी डाला। इसी तरीके से आपको इसको स्टीम, पानी से क्या होता है ना स्टीम आ जाता है उसमें, तो पकाती है अरबी को। ये देखिए मेरी सब्जी बिल्कुल बन के तैयार है। अब मैं इसमें धनिया डालूँगी, थोड़ा सा और डालेंगे हम इसमें धनिया। मैंने डाला है इसमें लगभग 2 चम्मच धनिया, हरा धनिया। मैं आपको दिखा देती हूँ सब्जी, ये देखिए ये स्लिप हो रही है, एक सेकंड ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल पक चुकी है और अब हम इसे बिल्कुल गैस बंद करेंगे और इसे हम सर्व करेंगे प्लेट में। मैं इस प्लेट में डालूंगी, ये देखिए बिल्कुल हमारी सब्जी बहुत ही यम्मी बनी है। वैसे तो अरबी की कई सारी सब्जी बनती है, मैं आपको हर सारी वीडियोस दिखाऊंगी, 5-6 तरीके की अरबी की सब्जी बनती है अलग अलग तरीके से। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय बाय।